हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ऑपोजिट्स। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, यस का ऑपोजिट क्या होता है? नो। यस मीन्स हाँ, नो मीन्स ना। फास्ट मीन्स तेज, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्लो। स्लो मीन्स धीरे। नाउ नेक्स्ट वन इज फैट। फैट मीन्स मोटा, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा स्लिम। स्लिप मीन्स पतला। कम, कम मीन्स आना, तो कम का हम क्या कहेंगे? गो, जाओ, जाना। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना, तो इसका ऑपोजिट होगा न्यू। न्यू मीन्स नया। गुड मीन्स अच्छा, तो गुड का ऑपोजिट क्या होगा? बैड। बैड मीन्स बुरा। बिग मीन्स बड़ा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉल। स्मॉल मीन्स छोटा। बॉय मीन्स लड़का, एंड इसका ऑपोजिट है गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। वीक, वीक मीन्स कमजोर, इसका ऑपोजिट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। इन मीन्स अंदर आना, इनका ऑपोजिट होगा आउट। सैड, सैड मीन्स उदास होना, तो इसका ऑपोजिट होगा हैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश होना। यंग मीन्स जवान, तो यंग का ऑपोजिट होगा ओल्ड। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। लो मीन्स नीचे, कम होना। लो का क्या होगा? हाई, ऊंचा। हैवी मीन्स भारी, इसका ऑपोजिट होगा लाइट। लाइट मीन्स हल्का। नेक्स्ट वन इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स बहुत खूबसूरत, इसका ऑपोजिट होगा अगली। अगली मीन्स बदसूरत। हॉट मीन्स गरम, कोल्ड मीन्स ठंडा। डे का मतलब होता है दिन, और इसका ऑपोजिट होता है नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। गिव मीन्स देना, टेक मीन्स लेना। थिक मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला। अब मैं यहाँ पर आपको दो डिफरेंस बताना चाहती हूँ। यहाँ पर थिक का थिन होता है और फैट का स्लिम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, फैट का थिन लिख देते हैं, जो कि गलत होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये हमने किए हैं ऑपोजिट वर्ड, जिनको हम विपरीत शब्द भी कहते हैं, जो बिल्कुल अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। होप यू एंजॉइंग द सेशन। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।